हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं दीपक पटेल यूट्यूब चैनल, दीपक पटेल 01 यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। आज मैं बताने वाला हूँ 50 ऐसे माइक्रो निश आइडियाज, माइक्रो निश यानी ऐसे टॉपिक्स जो कि मेन टॉपिक से हट के होते हैं। जैसे कि अगर एक आप कैटेगरी देख लें कि टेक की कैटेगरी होती है, तो उसमें मोबाइल फ़ोन एक सब कैटेगरी होती है, उसके बाद मोबाइल फ़ोन एक्सेसरीज एक सब। तो इस तरह के सब कैटेगरी आइडियाज या तो कुछ ऐसे नए टॉपिक्स जो आपने सोचे नहीं होंगे, या तो ऐसे नए टॉपिक्स जो कम सर्च किए जाते हैं मगर आप देख सकते हैं कि उसमें मिनिमम 10,000 से 15,000 सर्चेस आते हैं हर महीने। ऐसे टॉपिक्स 50 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूँ जिसमें से आप कोई भी टॉपिक चूज कर सकते हो और अपना एक यूट्यूब चैनल या अपना कोई ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। ये टॉपिक्स पे बहुत ही लो कॉम्पिटिशन है। अब तक ज़्यादातर लोग इन टॉपिक्स के बारे में अवेयर हुए ही नहीं है, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है स्पोर्ट्स चैनल। अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स का अच्छा खासा नॉलेज रखते हैं, आपको पता है कि उस स्पोर्ट्स में कैसे खेलते हैं, क्या करते हैं, कुछ टिप्स दे सकते हैं, कुछ ट्रिक्स बता सकते हैं उस स्पोर्ट को खेलने की, तो आप एक स्पोर्ट्स चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। इंडिया में हिंदी स्पोर्ट्स चैनल्स अभी काफ़ी कम है और इसमें काफ़ी स्कोप है कि आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। दूसरा है लेंस फाइंडर। अगर आपको ग्लासेस का अच्छा नॉलेज है, आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो सकते हैं। अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं या आपको पता है कि कैसे कैसे लेंसेज, अलग अलग टाइप के लेंसेज आते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, तो आप लेंस फाइंडर का एक चैनल बना सकते हैं। कैमरा लेंसेज का भी रिव्यू कर सकते हैं क्योंकि वो सब लेंस में आ जाते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं वीडियो एडिटिंग हार्डवेयर। अगर आप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के, तो काफ़ी ज़्यादा आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, मगर वीडियो एडिटिंग हार्डवेयर के बारे में बहुत कम चैनल्स है। अगर आप वीडियो एडिटिंग हार्डवेयर के बारे में जानते हैं, कैसे प्रोसेसर्स यूज़ करें, कौन सा CPU बेस्ट होगा वीडियो एडिटिंग के लिए, या किस तरह से PC बनाए जो कि वीडियो एडिटिंग के लिए, या कौन से लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स हैं जो कि बेस्ट है वीडियो, तो इस तरह से आप वीडियो एडिटिंग हार्डवेयर पर एक बड़ा अच्छा चैनल बना सकते हैं और उस पर आप अपने प्रोडक्ट्स रिव्यू कर सकते हैं और उसको आप Amazon एफिलिएट लिंक के द्वारा कर सकते हैं। चौथा चीज़ है एनिमल क्लोथिंग या स्पोर्ट्स गियर। इंडिया में अभी फिलहाल पेट्स, काफ़ी ज़्यादा लोग पेट्स पालते हैं और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने पेट्स पाल के रखे हैं, तो वो भी अब धीरे धीरे इंडिया में चलन आ रहा है कि पेट क्लोथिंग और पेट स्पोर्ट्स गियर। पेट्स को कपड़े पहनाते हैं, डॉग्स को, बिल्लियों को कपड़े पहनाते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स गियर पहनाते हैं अलग अलग तरह के, तो आप इन चीज़ों का भी रिव्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई पेट्स है, आप पेट लवर हो, तो आप ये भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक आता है योर प्लेस ब्लॉग्स, मीन्स आप जिस जगह पर रहते हैं। सपोज कि मैं इस छोटे शहर में रहता हूँ जिससे दुनिया में और कोई इंसान ज़्यादातर वाकिफ नहीं होगा उस जगह से, या कोई नया इंसान आया है उसे ढूंढना होगा उस जगह पे, तो आजकल लोग ज़्यादातर नेट पे सर्च कर ही देते हैं, तो आप एक खुद के जगह का एक ब्लॉग बना सकते हैं या उस पर कोई किताब भी लिख सकते हैं कि ये मेरी जगह है, मैं यहाँ पर रहता हूँ आसपास के एरिया में। अगर आपका आसपास के एरिया का अवेयरनेस है, तो आप उस पर ये टॉपिक पे ब्लॉग से यूट्यूब चैनल भी बना सकते हैं, ब्लॉग भी लिख सकते हैं या कुछ भी। इस तरह से आप वहाँ के काफ़ी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, स्पेसिफिक जगह की नॉलेज शेयर कर सकते हैं। अगला है प्रेजेंटेशन कोच। आजकल हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रेजेंट करना होता है, कोई सेल्स की प्रेजेंटेशन, कोई टॉपिक की प्रेजेंटेशन या कुछ भी। जैसे कि मैं भी एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ यूट्यूब पर। अगर आप ये बता सकते हैं लोगों को कि प्रेजेंटेशन कैसे करें, आपको पता है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करते हैं, आप बोलना जानते हैं, किस तरह से कोचिंग है, तो आप इसकी कोचिंग करवा सकते हैं। आप यूट्यूब पे सिखा सकते हैं लोगों को किस तरह कैमरा के सामने बोले, किस तरह लोगों के सामने बोले, कैसे सोचे, क्या करें, तो ये भी एक टॉपिक हो जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है वॉल डेकोरेटिव्स। हाँ, आप अगर ये होम डेकोर आइडियाज़ में भी आ जाता है, मगर वॉल डेकोरेटिव्स, क्या आप क्रिएटिव क्राफ्ट बनाना जानते हैं कुछ, या तो फिर बस आप कुछ नहीं तो कुछ अच्छे खासे वॉल डेकोरेटिव्स अमेजोन पे देख सकते हैं हैंडमेड, और जिनको आप अगर उनका रिव्यू कर सकते हैं और उन्हें अगर यूट्यूब पे डाल सकते हैं, तो ये भी आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। आप इसे अमेजोन के द्वारा मोनेटाइज कर सकते हैं। अगला निशा रहता है माउंटेन क्लाइंबिंग।
अगर आपको माउंटेन क्लाइंबिंग पसंद है, आपको माउंटेन क्लाइंबिंग की नॉलेज है, तो आप लोगों से अपना नॉलेज शेयर कर सकते हैं। और माइक्रो माउंटेन क्लाइंबिंग निश हिंदी में चैनल्स बहुत कम अवेलेबल है, इसलिए आपको लो कॉम्पिटिशन के साथ आपका चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। अगला टॉपिक हो सकता है 3D प्रिंटिंग के फ्यूचर में। अभी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो रही है और 3D प्रिंटिंग आने वाले है, काफ़ी प्रिंटर्स लॉन्च हो रहे हैं 3D प्रिंटिंग के। अगर आप 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे वीडियो बना पाए तब सोच के देखिए, क्योंकि ये भी काफ़ी सर्चेबल निश है, फ्यूचर में इसके सर्चेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगला है साउंड मिक्सिंग। क्या आप साउंड मिक्सिंग जानते हैं? आपको DJ ऑपरेट करना पता है, आप कोई म्यूजिक रिव्यू दे सकते हैं, इस तरह का अगर काम करना जानते हैं तो आप साउंड मिक्सिंग पे भी वीडियोस बना सकते हैं। उसके बाद वर्क हैक्स। चलो मैं ऑफिस में जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ काम करने के लिए एक्सेल के कुछ हैक्स होंगे, या तो फिर कोई भी हैक्स, ऐसे सिंपल हैक्स कि कॉफ़ी कैसे जल्दी बने, या तो फिर ऐसे कोई भी आप सोचो कि ऐसे क्या टॉपिक्स होंगे जो वर्क हैक्स होंगे जो डेली लाइफ के काम को आसान बनाएंगे और बहुत जल्दी कर सकते हैं, तो ऐसे हैक्स पे या ऐसे टॉपिक्स पे आप वीडियो बना सकते हो कि ये काम बहुत जल्दी कैसे करें, कैसे मैं 2-5 मिनट में जो चाय बनती है वो 2 मिनट में बना लूँ। इस तरह से आप बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं और ऐसे हैक्स आजकल लोग बहुत ज़्यादा सर्च भी करते हैं। अगला है स्मार्ट वॉच रिव्यू। क्या आप वॉचेस के शौकीन हैं? हाँ, कई लोग होते हैं जो वॉचेस के शौकीन होते हैं, वो सबसे पहले वॉच खरीदने से पहले आजकल वॉचेस का रिव्यू करते हैं। क्या आप वॉचेस के रिव्यू कर सकते हैं? ये इतना हार्ड भी नहीं है, वहाँ आप इसे बड़ी आसानी से फ्लिपकार्ट अमेजोन या किसी भी तरह से मोनिटाइज कर सकते हैं। बस आपको वॉचेस खरीदने हैं, वॉचेस के रिव्यू करने हैं कि आपके पास अभी जो एग्जिस्टिंग वॉच है उससे शुरुआत कर सकते हैं। अगला है फार्मिंग हैक्स। क्या आपको फार्मिंग का नॉलेज है? आपने फार्मिंग की है? इंडिया एक फार्मिंग कंट्री है, तो यहाँ पे फार्मिंग का बहुत बड़ा स्कोप है, हो सकता है आपके लिए। आप कुछ भी कर बता सकते हैं, फर्टिलाइजर्स कि इस तरह की फार्मिंग करनी है तो ऐसे फर्टिलाइजर यूज़ करें। अगर आप इस तरह के टॉपिक को चूज़ करते हैं तो इसमें आपका बहुत वाइड रेंज का स्कोप मिलता है आगे, क्योंकि इसे आप बहुत अच्छे से मोनिटाइज भी कर सकते हैं, आपको ब्रांड प्रमोशंस तक मिल सकते हैं। ज़्यादातर लोगों ने अब तक इस नीश में काम करना शुरू नहीं किया है, इसलिए ये नीश अभी भी खाली पड़ा है और आप इसमें अपना चैनल बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइव वीडियो एडिटिंग। क्या आप वीडियो एडिटिंग के सॉफ्टवेयर तो बता सकते हैं, मगर आप लाइव बता सकते हैं? हाँ, आप यूट्यूब पर लाइव बता सकते हैं कि मैं इस तरह से वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ, या तो आप सिखा सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर इस तरह से काम करता है। आप यूट्यूब लाइव का इस्तेमाल करिए, तो आप रोज़ एक टाइम सेट कर दीजिए कि 2 से 4 मैं पूरा कोर्स दूंगा अपने ऑडियंस को, और 2 से 4 अगर आपके ऑडियंस इस तरह बिल्डअप भी हो सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब लाइव में आपके रैंकिंग बहुत अच्छी और आप लाइव दिखा सकते हैं कि किस तरह आप वीडियो एडिटिंग करते हैं। उसके बाद है टैटू आर्टिस्ट। कई लोगों के लिए टैटूज, आजकल कई लोगों को टैटू बनाने का काफ़ी शौक होता है और इंडिया में भी ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा हाइप पे चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, तो आप अगर टैटू आइडियाज़ जानते हो, कुछ अच्छे खासे टैटू आइडियाज़ दे सकते हो, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा टॉपिक हो सकता है। उसके बाद आ जाते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज पे। बेस्ट सिक्योरिटी कैमरास का उसका आप रिव्यू दे सकते हो, या कैसे सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल करें या किस तरह से उसका सेटअप करें, इस चीज़ों के बारे में लोगों को काफ़ी नॉलेज नहीं होती और लोग शायद इंटरनेट पर ढूंढते भी हैं, इसलिए आप इस पर भी एक अगर हो सके तो यूट्यूब चैनल बना सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं किड्स पार्टी आइडियाज़। हाँ, आप अगर बहुत सारे बच्चों को किड्स की पार्टी करनी होती है, कुछ खेलना होता है, या तो बच्चों की पार्टी अगर आप अरेंज करते हैं तो उनमें किड्स पार्टी, कुछ छोटे छोटे किड्स के गेम्स, बच्चों के गेम्स, या इस तरह के आप आइडियाज़ दे सकते हो, इस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया जा सकता है। उसके बाद आ जाते हैं बिजनेस, ये काफ़ी हैवी इक्विपमेंट रिव्यू, और क्या होते हैं रेंट भी दे सकते हो आप, अगर आप कोई हैवी इक्विपमेंट ओन करते हो, जैसे कि JCB बुलडोजर ऐसा कुछ, तो आप उन बता सकते हो, अपने क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो, आप YouTube पे अपना वीडियो डालिए, अगर आपको कोई क्लाइंट्स मिल भी सकते हो उसमें, आप अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकते हो, क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो YouTube चैनल से। अगला टॉपिक आ जाता है लैंग्वेज। आप क्या ऊंचा लैंग्वेज जानते हो? तो ऐसे यूट्यूब पे कई सारे ऑडियंस है जो अलग अलग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब पे लैंग्वेज सिखा कर भी काफ़ी अच्छी यूट्यूब पे ग्रोथ
ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में, आप फ्री में भी लैंग्वेज सिखा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, पर ज़्यादातर लोग पेड कोर्सेज खरीदना पसंद नहीं करते, इसलिए अगर आप फ्री में यूट्यूब पर लैंग्वेज सिखाते हो तो ये काफ़ी अच्छा हो सकता है और आपका चैनल काफ़ी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी आ सकता है। उसके बाद आते हैं 23rd टॉपिक पे हम आ जाते हैं, तो वो है न्यूज़ रिव्यूज़। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स अभी पॉपुलर हैं और उस पर कोई रिव्यू करने वाले बहुत कम ही चैनल्स हैं जो कि फिलहाल न्यूज़ रिव्यू करते हैं। तो आप भी इस फील्ड में अगर अच्छे हो, इस फील्ड में नॉलेज रखते हो, तो आप न्यूज़ रिव्यूज कर सकते हो। अगला टिप आ जाता है रिलेशनशिप एंड डेटिंग एडवाइस। इस टॉपिक पे हिंदी चैनल्स अवेलेबल हैं मगर अभी भी वो बहुत कम है। आप इस टॉपिक पे भी काफ़ी, अगर आप इस टॉपिक पे अच्छा खासा नॉलेज रखते हो तो इस पे काफ़ी अच्छी ग्रोथ ला सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं अगले हैं, आप चैलेंज करो खुद को कि एक ब्लॉग बनाना है। जैसे कि अब मैं एक महीने का चैलेंज देता हूँ यूट्यूब पर कि आई चैलेंज माई सेल्फ फॉर टू लर्न गिटार इन वन मंथ। इस तरह के चैलेंजेस लोग देखना बहुत पसंद करते हैं कि मैंने ये सीखने का एक चैलेंज लिया कि एक महीने में मैं यह सीख के दिखाऊंगा, मैं अपनी पूरी जर्नी रिकॉर्ड करूंगा और फिर उसका वीडियो डालूंगा। तो इस तरह के टॉपिक्स भी आप यूज़ कर सकते हो जो कि आप डाल सकते हो अपने यूट्यूब पर। उसके बाद सोलर पैनल रिव्यू या कोई भी ऐसी चीज़ का रिव्यू जो मींस थोड़ा हट के हो, या जैसे कि सोलर पैनल्स, इंडिया में कई सोलर पैनल्स हैं, हीटर, गीजर, इन सब का लोग एवरेडे यूज़ करते हैं, तो आप इन सब का रिव्यू दे सकते हो। क्योंकि फ्यूचर में लोग ये ढूंढने वाले हैं, ये सब टॉपिक्स ऐसे हैं कि फ्यूचर में लोग ज़रूर से ज़रूर ढूंढने वाले हैं, तो आप इन टॉपिक्स को लेकर भी वीडियो बना सकते हो। अगला टॉपिक आ जाता है अमेज़ॉन डील्स, फ्लिपकार्ट डील्स। अगर आप एक काम कर सकते हो, रोज़ के आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर रोज़ एक्टिव रह सकते हो, क्या रोज़ ऐसी कुछ डील्स ढूंढ सकते हो, तो आप बस यूट्यूब पे आप बता सकते हो कि ये 10 डील्स मैंने आज ढूंढी है, और उस उन डील्स को आप सिर्फ ऑडियंस को बता सकते हो और वो उस डील्स पे जाएंगे आपके एफिलिएट लिंक द्वारा, और इससे आप अपने चैनल भी मोनेटाइज कर सकते हो। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है, रोज़ के कुछ डील्स ढूंढने हैं जो कि काम के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बीच रिव्यूज़। हाँ, अगर आपके सिटी में कोई बीच है या तो कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो, आप उस जगह पे जा सकते हो, उसका रिव्यू यूट्यूब पे एक ब्लॉग के जरिए दे सकते हो कि हाँ ये बीच ऐसा है। अगर आप सपोज भी गोवा में रहते हो तो उसमें कई सारे बीचेस हैं, तो आप सारे बीचेस पे एक एक करके जाके उसके रिव्यूज पोस्ट कर सकते हो तो ये बीच कैसा है, उस पर क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, कैसे वहाँ पर जाना है, कैसे पहुँचना है, सब कुछ आप उसमें बता सकते हो। अगला निशा रहता है पॉटरी। अगर आप पॉटरी जानते हो, आप किस तरह क्ले के कुछ भी क्ले से बना सकते हो, क्ले के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाना जानते हो, तो आप उस पर भी एक बना सकते हो यूट्यूब चैनल। अगला आ जाता है हेयर स्टाइल आइडियाज़ फॉर मैन। अगर आप अच्छे खासे हेयर स्टाइल्स बनाते हो, या आप कोई बार्बर हो, या कोई आप बार्बर हो सकते हो, या तो फिर आपको हेयर स्टाइलिंग का काफ़ी नॉलेज होता है, हेयर स्टाइल आइडियाज़ फॉर मैन में जा सकते हो। वुमेन के काफ़ी अवेलेबल है, पर मैन के बहुत कम अवेलेबल है चैनल्स, इसलिए आपके लिए ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक हो सकता है। अगला टॉपिक है गेमिंग, जो तो आप जानते हो, लाइव स्ट्रीम कर सकते हो गेमिंग में, गेमिंग टिप्स दे सकते हो, गेमिंग हैक्स बता सकते हो, गेम रिव्यू कर सकते हो, और ऐसी कई चीज़ें हैं जो आप इस टॉपिक में बड़े आराम से कर सकते हो और अपना चैनल ग्रोथ कर सकते हो। अगला आ जाता है स्टोरी टेलिंग। हाँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए छोड़ दिया कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर पाऊँगा, मुझे कोई स्पेशलाइज नॉलेज नहीं है, क्या बस इंटरेस्टिंगली स्टोरी कह सकते हो किड्स को, बच्चों को अच्छे से स्टोरी सुना सकते हो, बहुत इस तरह से सुनाओ कि वो बहुत खुश हो जाए या बहुत हंसते हंसते, तो हाँ इस तरह का टॉपिक भी यूट्यूब पर काफ़ी फेमस हो सकता है और इस पर काफ़ी ऑडियंस आते भी हैं और इस तरह की चीज़ें सर्च कर सकते हैं। तो आप ये भी कर सकते हो कि आप यूट्यूब पे स्टोरीज सुनाया करो बच्चों को, या तो फिर आप इस पर कोई एनिमेशन वीडियोस भी बना सकते हो कि एक स्टोरी थी उसका एक एनिमेटेड वीडियो बना के डाल दिया। ऐसी कई स्टोरीज मिल भी जाती हैं जिनके अभी तक कोई इस फील्ड में कोई ज़्यादा इतना एक्टिव नहीं हुआ है, आप इस फील्ड पर एक्टिव होंगे नई फील्ड के साथ एक यूट्यूब पर बहुत बड़ा लेवल, बहुत ज़्यादा ऊँचे लेवल तक जा सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं प्रोड्यूस म्यूज़िक। अगर हम अच्छा खासा म्यूज़िक प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपको इस फील्ड में नॉलेज है, तो आप अच्छा नया म्यूज़िक प्रोड्यूस कर सकते हो और उसे यूट्यूब पे
डाल सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं नेटफ्लिक्स शो रिव्यू। आजकल नेटफ्लिक्स का बहुत ज़्यादा हाइप चल रहा है, हर कोई नेटफ्लिक्स पे कुछ ना कुछ देखना चाहता है। किस तरह से नेटफ्लिक्स काम करता है, क्या है उसमें, कैसे शोस आते हैं, उन शो के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं लोग, देखना चाहते हैं। जैसे कि मूवी रिव्यूज़, हर किसी को मूवी का रिव्यू देखना है मूवी देखने से पहले, उसी तरह नेटफ्लिक्स के शो के भी लोग रिव्यू सर्च करते हैं। तो आप इस पर अगर बना सकते हो तो इस पर भी आप कोई वीडियो बना सकते हो, और यूट्यूब का पूरा एक चैनल जिस चीज़ पर ग्रो कर सकते हो कि आप नेटफ्लिक्स में कैसे शो के रिव्यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है पर्सनल स्टोरीज। क्या आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है ये कि आप बाहर गए और कोई आपसे मिलने आया और उसी इंसान ने आप उस इंसान के साथ एक नया एक्सपीरियंस घट गया, ऐसी कुछ पर्सनल स्टोरीज भी होती है लोगों के पास। तो आप अगर आपके पास ऐसी नहीं भी है तो आप अपनी ऐसी पर्सनल स्टोरीज बना सकते हो और उन स्टोरीज को आप सुना सकते हो। लोग ये देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है। अगर आप ये कर सकते हो तो आप कीजिए। पर्सनल स्टोरीज भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत कम कॉम्पिटिशन है। अगला है मीम्स। मीम्स बनाना चाहता है मीम्स, आप अलग अलग तरह के मीम्स बना सकते हो। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि फेसबुक पर सिर्फ मीम्स बनाते हैं, और उसकी फेसबुक पर बहुत बड़ी फैमिली है। उसने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया है मीम्स के ऊपर बेस्ड, और उस मीम्स पे वो यूट्यूब फेसबुक से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक ड्राइव कर पा रहा है जिस तरह से, और उसका चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है। इस तरह आप मीम्स बनाकर भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। अगर आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है तो आप मीम्स बनाकर भी काफ़ी कुछ कर सकते हो यार, यूट्यूब चैनल बना सकते हो मीम्स भी। उसके बाद एग्जाम्पल में देख लो प्यूरीफाई, प्यूरीफाई ने मीम रिव्यूज कर करके आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। उसके बाद आ जाते हैं माइथबस्टर्स। माइथबस्टर्स क्या होता है, जिसके आपने स्कूबी को कार्टून देखा है, माइथबस्टर्स वो ऐसी हॉन्टेड जगह उस पर जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि क्या भूत है या नहीं। अब उस जगह पे जाकर देखो कि यार क्या ये सच है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या भूत होते हैं क्या नहीं होते। अगर आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो तो इसे माइथबस्टर्स कहा जाता है। ऐसे भी टॉपिक्स लोग काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगला टॉपिक आ जाता है हिस्ट्री सर्च। आप हिस्ट्री देख सकते हो, आप हिस्ट्री पे से कोई इंसिडेंट उठा सकते हो, उस पर कोई प्रेजेंटेशन बना, कोई स्लाइड शो बना सकते हो, तो उस चीज़ को आप यूट्यूब पे डाल सकते हो उसका वीडियो बना के। उसके बाद आ जाते हैं 40 मिनट पे आ जाते हैं फनी स्टोरीज। आप कई सारे फनी स्टोरीज अपनी लाइफ में जो घटे हुए ऐसे फनी इंसिडेंट शेयर कर सकते हो, या आप कुछ जोक्स मार सकते हो, कुछ भी कॉमेडी कर सकते हो, तो आप कीजिए फटाफट, क्योंकि यूट्यूब फिलहाल इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। क्योंकि आप अभी देख सकते हो कि स्टैंड अप कॉमेडीज के कितने सारे चैनल्स पे कितने सारे व्यूज मिल जाते हैं, तो यूट्यूब इसे काफ़ी प्रमोट कर रहा है, तो आप ये कर सकते हो। अगला है गिफ्ट आइडियाज। हाँ, आजकल गिफ्टिंग कल्चर इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, तो आप कई सारे गिफ्ट आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हो। और बस कुछ नहीं तो अगर कोई इवेंट आ रहा है जैसे कि अभी वैलेंटाइन डे, तो आप इस पर एक वीडियो बना सकते हो कि टॉप 10 गिफ्ट आइडियाज़ फॉर वैलेंटाइंस डे। इस तरह का अगर आप फिलहाल कर सकते हो तो इसे कीजिए, क्योंकि अभी ये टाइम है, आप ये अभी के अभी इस नीच से कुछ काम करवा सकते हो। उसके बाद आ जाता है डिज्नी नीच, मार्वल नीच। अगर आप सुपर हीरोज या मार्वल कॉमिक्स के शौकीन हो, डिज्नी के स्टोरीज के शौकीन हो, आप उनके कैरेक्टर्स के बारे में कुछ प्रेजेंटेशन बना सकते हो। जैसे कि अगर देख लो कि मार्वल आयरन मैन के बारे में कई सारी चीज़ें डिस्कस की जा सकती है, या तो फिर स्टोरी पे अपना रिव्यू दे सकते हो कि किस तरह ये स्टोरी होनी चाहिए। तो इस तरह उनके टॉपिक्स यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, तो आप इन निश पे भी आइडिया बना इन टॉपिक पे भी वीडियो बना सकते हो। जैसे कि आयरन मैन कैसे काम करता है, आयरन मैन का सूट कैसे बना है, या इस तरह के टॉपिक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। उसके बाद आ जाते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट रिव्यू। अगर आप कोई म्यूजिशियन हो, आप ऐसे अलग इंस्ट्रूमेंट का रिव्यू कर सकते हो, जैसे कि गिटार का रिव्यू कर सकते हो, या तो फिर तबला का रिव्यू कर सकते हो, किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का रिव्यू भी कर सकते हो, और अमेज़न के लिंक द्वारा इसे आप मोनेटाइज भी कर पाओगे। अगर आ जाता है सेल्फ इम्प्रूवमेंट नीच। अगर आप दूसरों को कुछ मोटिवेट कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि ये काम कैसे करें, ये काम किस तरह से बात करें, किस तरह से कम्युनिकेट करें आगे वाले पर्सन से, किस तरह सेल्स जनरल, किस तरह आगे वाले को, जिस तरह सेलिंग की टेक्निक है, इस तरह की चीज़ें हैं, अगर आप इन सब चीज़ों में अच्छे हैं, आपके कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट का टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हो और इस पर यूट्यूब चैनल बना के रन कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है सेल्फ डिफेंस। अगर आप
सेल्फ डिफेंस जानते हो, किस तरह आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, या तो फिर आप आगे वाले को सिखा सकते हो कैसे सेल्फ डिफेंस करे, उसकी टेक्निक बता सकते हो, तो यूट्यूब पे ये काफ़ी सर्च किए जाते हैं और आप इस पर भी एक यूट्यूब चैनल अच्छा खासा ग्रो कर सकते हो। उसके बाद जैसे हैं पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग, अगर आप पब्लिक स्पीकर बन सकते, अगर आपको स्पीच देना आता है, आपको बोलना आता है, आप पब्लिक में बोल सकते हैं, तो आप ये लोगों को सिखा सकते हैं। क्योंकि कई लोग हैं जो पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर पाते, तो उस पर आप एक एक टॉपिक बैठे, जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करें, पब्लिक स्पीकिंग में कौन के लिए कौन सी चीज़ें हमें ध्यान रखें, इस तरह के टॉपिक्स पे अगर आप वीडियोज़ बना सकते हो तो ये भी चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकता है। तो ये थे मेरे कुछ 50 आइडियाज़, माइक्रो निश आइडियाज़, या तो माइक्रो टॉपिक्स आप समझ लीजिए, जो कि यूट्यूब पर आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा सर्चेबल होने वाले और लोग ये चीज़ पक्का 100% गारंटी के साथ सर्च करने वाले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो टिक पटेल यूट्यूब चैनल पर। ऐसे वीडियोस हमेशा आते रहेंगे, बस आप लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले दिन, आपका दिन अच्छा जाएगा।